यानी कि बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में भी पाए जाते। ये बात याद रख लेना, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है कौन से पौधों में? ब्रायोफाइटा। ठीक है, जहां ब्रायोफाइटा याद आए वही क्या याद कर लेना, लगभग 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। आगे लिखिए, छोटे पादप होते हैं, ठीक है, लगभग कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक, तो लिख लो आमा। कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर। समान के बगल में आपने रखी घास,
गया हो गया खराब, खरीदेगा कोई उस नासी ग्लास को? नहीं खरीदेगा। इसलिए क्या रखा जाता है? स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से रखा जाता है। तो मॉथ सबसे ज्यादा जो है वो पैकिंग के ही काम पे आते हैं, सब्जी वगैरह में, क्योंकि इनको क्या है, पानी में तैरी है ना, उठाए पेटियों में चारों तरफ लगा दिए, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह लगा दी, तो सब्जी या फल उनको क्या रहेगा, ताजगी मिलती रहेगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हो नेचुरल ब्रिज है ना, उसमें भेज रहे इधर से उधर, ठीक है, तो वो खराब नहीं होती, सड़ते नहीं। आगे इसमें क्या लिखें कि हम लोग इसके पादप काय की बात करें, थैलस कैसा होता है, ठीक है, तो उसके डायग्राम बनाएंगे, बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है, दिखते कैसे कैसे। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग कि थैलस भी क्या है, प्रयोग, वो थैलस किस तरीके का है, फिर उसके प्रयोग। तो सबसे पहले थैलस की बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा का थैलस किस तरीके का होता है। तो आपने लिखा था दो तरीके का थैलस होता है, थैलाव और परणाव, ठीक है, पहले लिखिए थैलाव। और आगे लिखिए परणाव, पत्ती की जैसा। अगर थैलाब की बात करें तो एग्जांपल है ना, हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसी हिसाब से क्या करेंगे फिर। ये क्या है, इसमें जनन संरचना,
आर्टेंसिया, इसको क्या बोलेंगे? गुलाबास। ये क्या हो जाएगी? पत्तीसिरा। फिर गैमा का, कहीं गैमा भी लिखा रहता है, कहीं जैमा भी लिखा रहता है, हिंदी में क्या अंग्रेजी में लिखो गैमा का। ये रिप्रोडक्टिव संरचना, मतलब आप कह सकते हो कि वेजिटेटिव संरचनाएं होती है जो टूट के गिर जाती है और नया मार्गेंसिया बना देती है। सबसे ज्यादा तुम्हें मार्गेंसिया को ही पढ़ना है ढंग से एकदम। और इसमें यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से थोड़ा फूला हुआ होता है, और ये जो संरचना है ये इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष खांच। ठीक है, इसका है ये मार्किंग। Thank you.
ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गई इसकी शाखाएं और ये क्या हो गई इसकी जनन संरचनाएं, एंथेलियल ब्रांच एंड आर्किकोलियल ब्रांच, यानी ये हो गई कुंभानी। ठीक है, समझ आ गया कि ये तो पर्णिल नहीं कहा गया, वो पर्णिल क्यों कहा गया, पत्तियां स्पष्ट दिखाई देती है थोड़ी बहुत। आगे जंगल में नियम वगैरह पढ़ोगे आप लोग। एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा हम यही पढ़ेंगे। मार्किंग क्या रही थी आप फिलेरिया की,